गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल सोर्स. हम लोग ने इंटरनल सोर्स पढ़ लिया था, आज हम लोग को एक्सटर्नल सोर्स पढ़ना है. करने से पहले 2 मिनट का समय लूंगी आपको. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. ठीक है, आज हम लोग को एक्सटर्नल सोर्स पढ़ना है. चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग. पेन कहाँ है? ठीक है, लोग आए भी आने दीजिए. ठीक है, आज का हम लोग का टॉपिक है स्टाफिंग का एक्सटर्नल सोर्स. ठीक है, उसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है? डायरेक्ट होता है जैसे कि जैसे सपोज हम लोग ये जनरली किसके लिए सुटेबल होता है पहले आप समझ लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए. स्वीपर होते हैं, प्यून होते हैं, उनके लिए सुटेबल होता है. बिकॉज इसमें क्या रहता है कि हम लोग जिस हमको जो भी अपने एम्प्लॉयज़ चाहिए, जो भी स्टाफ चाहिए, हम क्या करते हैं अपने जो मेन गेट होता है बाहर का उसमें क्या करते हैं पेस्ट कर देते हैं इंटरव्यू के बारे में कि वॉक इन इंटरव्यू है, इस दिन है, टाइम डेट मेंशन सारी चीज़ें कर देते हैं. और उसको जो लोग पढ़ते हैं उसको देख के वो लोग क्या करते हैं हमारे यहाँ आते हैं. और वो उस दिन क्या होता है ऑन द स्पॉट होता है. ठीक है, जैसे सपोज़ हम लोगों ने संडे को डिसाइड कर लिया कि संडे को हमारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा तो उसमें पहले से हम लोग उसको पेस्ट कर देते हैं अपने बाहर के गेट पे. और उसके बाद उस दिन पर्टिकुलर डे पे डेट पे हम लोग क्या करते हैं अपने क्या कहते हैं उस दिन इंटरव्यू होता है हमारा और उस दिन हम एट ए टाइम हम सेलेक्ट हो जाते हैं. नेक्स्ट है हमारा कैजुअल कॉलर. ठीक है, कैजुअल कॉलर क्या होता है? कैजुअल कॉलर में क्या होता है जैसे जिस समय बहुत सारे रिक्रूटमेंट के समय बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम सारे एप्लीकेंट्स को रख ही लेते हैं. कुछ एप्लीकेशन जो बहुत सुटेबल होती है फिर भी हम उसको नहीं रख पाते हैं उस टाइम पे क्योंकि हमारे यहाँ उतनी नीड नहीं होती है. तो उस केस में हम क्या करते हैं वो जो एप्लीकेशन हमारे पास पड़ी रहती है उसी में से हम उन लोग को कॉल करके बुला लेते हैं. ठीक है, आफ्टर दैट एडवर्टीजमेंट. एडवर्टीजमेंट क्या है? हम न्यूज़पेपर के थ्रू छपवा के अपना एडवर्टीजमेंट अपना वो एम्प्लॉयज़ के लिए बताते हैं कि हमें एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है एडवर्टीजमेंट के थ्रू. अगर हमें कोई छोटे मोटे मतलब जैसे स्टाफ चाहिए जैसे प्यून मतलब कि छोटे लेवल के स्टाफ चाहिए लोअर लेवल के तो हम क्या करते हैं उसमें हम उसमें लोकल न्यूज़पेपर में छपवा देते हैं. बट अगर हमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, एक जर्नल बनाने वाला चाहिए, ये सब चाहिए तो हम क्या करते हैं हायर रैंक के न्यूज़पेपर में डालते हैं जैसे हिंदुस्तान ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सब में हम लोग कम्युनिकेट करते हैं. ठीक है, आगे हमारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जनरली गवर्नमेंट के उसमें होता है. ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर में होता है. इसमें क्या होता है कि जो जिनको जॉब की नीड है जॉब सीकर वो भी अपना क्या करते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नाम दर्ज करवा देते हैं, नाम अपना लिखवा देते हैं. और जो एम्प्लॉयर है एम्प्लॉयर को भी नीड है वो भी वहाँ पे बता देते हैं, मेंशन करवा देते हैं कि मुझे इस टाइप की रिक्वायरमेंट है, इस टाइप के स्टाफ की रिक्वायरमेंट है. जब दोनों मैच हो जाती है, सुटेबल हो जाती है तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या करता है आगे एम्प्लॉयर को वो दे देता है, बता देता है. नेक्स्ट है हमारा प्लेसमेंट एजेंसीज.
प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट, जो प्लेसमेंट एजेंसी रहती है, जो एजेंसीज होती है वो क्या करती है, जो प्राइवेट एजेंसीज होती है, जैसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या गवर्नमेंट के लिए होता है, बट जो प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी होती है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए होती है। वो क्या होता है कि एक एजेंसी हमने खोल ली, जैसे हमने जैसे होते कहते हैं ना कि एक मालूम ने मार्केट में खोल दिया कि जिसको जॉब की रिक्वायरमेंट है वो भी आके एप्लीकेशन दे दें, और जिसको जिस जो जॉब सीकर है वो भी आके अपनी एप्लीकेशन दे दें। उससे क्या होगा, जो दोनों मैच हो जाता है तो क्या होता है, हम लोग एम्प्लॉयर को दे देते हैं और एक सुटेबल फीस, एक जो नॉमिनल फीस ले लेते हैं जो कि प्लेसमेंट एजेंसी को दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट किस केस में होता है, जब हम कॉलेज में ही पढ़ते हैं तो कॉलेज से ही हमारा क्या हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है। वहाँ पे हमारे जो एम्प्लॉयर्स आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, उसी में से हम लोग उसी एम्प्लॉयर हम लोग को जो हमारे कोच ये कॉलेज रहता है उसी में से सेलेक्ट कर लेते हैं बेस्ट एम्प्लॉय को, बेस्ट स्टूडेंट को, जो कि वो फ्यूचर में एम्प्लॉय बन जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब हम जैसे हमारे यहाँ कोई एम्प्लॉय वर्क कर रहा है और उसी ने हमें रिकमेंड कर दिया कि इसका कोई फ्रेंड है, कोई इसका रिलेटिव्स है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर सकता है, तो वो क्या है, रिकमेंडेशन, रिकमेंड कर दिए एम्प्लॉयज़ ने कि हमारे यहाँ मेरे फ्रेंड्स है। जैसे एक जॉब कर रहा है, एक फ्रेंड जॉब कर रही है, उसने दूसरी फ्रेंड को जॉब बताया मेरे यहाँ ये वैकेंसी है, और एम्प्लॉयर को ही बताया, दोनों सुटेबल हो गया, मैच हो गया, तो फिर वो वहाँ पर जॉब लग सकती है, हो सकती है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर में क्या होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर है उसके अंडर में बहुत सारे लेबर्स रहते हैं, वर्कर्स रहते हैं। जिस समय एम्प्लॉयर को नीड होती है वो क्या करते हैं, उसको उस समय एम्प्लॉय ये लेबर प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन वाला काम, जहाँ बिल्डिंग बनती है, ये सारी हाउसिंग हाउस बनता है, तो लेबर एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर को वो क्या करते हैं, बहुत सारे लेबर अपने लेकर आते हैं और बहुत कम टाइम में लेके आते हैं, अवेलेबल करवा देते हैं। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविज़न। अब हम टेलीविज़न फैक्ट्री गेट रिक्रूटमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में ही आएगा, क्योंकि उसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, क्योंकि फैक्ट्री पे ही हम लोग अपने गेट के बाहर ही अपने पोस्ट चिपका देते हैं और उसी के थ्रू वो लोग पढ़ के आते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविज़न। हम टेलीविज़न में क्या करते हैं, एडवर्टाइज़ करते हैं, उसमें दिखाते उनमें उसमें बताते हैं एम्प्लॉयज़ की एम्प्लॉयर को किस टाइप की रिक्वायरमेंट है, और टेलीविज़न के थ्रू हम अपने एम्प्लॉयज़ को, जो एप्लीकेंट्स हैं, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ होने वाले होते हैं, उनको हम बुलाते हैं। वेब पब्लिशिंग क्या हो गया, वेब पब्लिशिंग क्या हो गया, जैसे कि जो वेबसाइट्स के थ्रू होता है, जैसे कि इंटरनेट के थ्रू, जैसे www.naukri.com, jobstreet.com, जो कि इसमें इंटरनेट के थ्रू होता है, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, वेब पब्लिशिंग के अंदर आएंगी। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग ज़रा एक्सटर्नल सोर्स के मेरिट्स की तरफ बढ़ते हैं। पहला हमारा है क्वालिफाइड पर्सोनल। हम जैसे जैसे कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट होती है उस कैंडिडेट्स को हम बुला सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वाइडर चॉइस होती है, बहुत सारी चॉइस होती है जिसमें से हम अपने एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं, फ्यूचर एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। वाइडर चॉइस होती है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एप्लीकेशन देते हैं, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो बेस्ट होते हैं, फ्यूचर के लिए बेस्ट होने वाले रहते हैं, हमारे काम के रहते हैं, हम उसको क्या करते हैं, अपॉइंट कर लेते हैं, इसलिए हमारे पास क्या वाइडर चॉइस है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेश टैलेंट। हमें फ्रेश टैलेंट मिलते हैं, हम जैसे अगर हम कैंपस रिक्रूटमेंट में जाएं तो क्या रहता है कि जो उनके पास जो कॉलेज में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके पास आज की नॉलेज रहती है, फ्रेश टैलेंट रहता है उनके अंदर, और भी उनके अंदर टैलेंट होता है कि स्किल्स होती है, तो क्या हमें मिलते हैं, फ्रेश टैलेंट मिलता है। क्योंकि अगर हम इंटरनल की तरफ जाते हैं तो इंटरनल में सिर्फ अपने एग्जिस्टिंग ही एम्प्लॉय मिलते हैं और हमें बाहर के लोग नहीं मिल पाते हैं। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव स्प्रेड रहता है कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है और जो न्यू एम्प्लॉयज़ है उन दोनों में क्या रहता है, कॉम्पिटिशन हो जाता है कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ क्या करता है कि अगर हमें अच्छा वर्क नहीं करूँगा तो मुझे क्या कर दिया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारी कंपनी क्या यूज़ करती है, एक्सटर्नल सोर्स यूज़ करती है, वो बाहर के एम्प्लॉयज़ को बुला सकती है। और एक और बात, एक्सटर्नल सोर्स को न्यू ब्लड इन द ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, एग्जाम में कभी कभी पूछता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा लिमिटेशन ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेस। क्या क्या लिमिटेशन होते हैं आगे हम लोग देखते हैं। पहला हमारा होता है डिससेटिस्फेक्शन एमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ।
एग्जिस्टिंग स्टाफ में क्या होता है, डिससेटिस्फेक्शन होता है, उनको ये लगता है कि अगर हम अच्छा वर्क नहीं करेंगे तो हमें निकाल दिया जाएगा। उन दोनों आपस में, जैसे न्यू एम्प्लॉयज़ को हम ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंस देते हैं तो क्या हो जाता है, एग्जिस्टिंग स्टाफ को बुरा लगता है, डिससेटिस्फाई रहते हैं वो कि हमको कभी भी निकाला जा सकता है, तो उनके उनमें आपस में क्या रहता है कि भेदभाव होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉस्टली प्रोसेस। देखिए हम यही सब के थ्रू जाएंगे, एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू जाएंगे तो हमारा कॉस्टली प्रोसेस होगा, पैसा भी ज़्यादा लगेगा और लेंदी प्रोसेस भी होगा, क्योंकि इसमें क्या है, पहले हम लोगों को सर्च करेंगे, फिर सेलेक्शन करेंगे। बट इंटरनल सोर्स में क्या था, हम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ में इसे क्या कर देते, ट्रांसफ़र और प्रमोशन ईजिली कर देते थे। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, हम लोग आगे तरफ बढ़ते हैं। यस, मैं वाराणसी से लाइव हूँ। नेक्स्ट है हमारा सेलेक्शन। अभी तक हम लोगों ने रिक्रूटमेंट पढ़ा था, अब हम देखिए सेलेक्शन क्या है, एक नेगेटिव प्रोसेस है। ठीक है, पहले आप लोग ये जान लीजिए ये क्या है, नेगेटिव प्रोसेस है। सेलेक्शन क्या है, एक नेगेटिव प्रोसेस है। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे अकॉर्डिंग, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लायक एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन वैसी नहीं होती, उनको हम क्या करते थे, इलिमिनेट करते जाते। बट जो बेस्ट सूटेड होता है उसको हम क्या कर देते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में रख लेते हैं। पहला है हमारा सेलेक्शन। देखिए सेलेक्शन में क्या होता है, हम सेलेक्ट करेंगे उनके उनके इंटेलिजेंट टेस्ट पे, उनकी क्वालिफिकेशन पे, उनके रेफरेंस बैकग्राउंड पे, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, सेलेक्शन में देखते हैं। तो चलिए हम लोग सेलेक्शन को देखते हैं, सेलेक्शन के अंदर क्या लिखा है। सेलेक्शन इज़ अ प्रोसेस। देखिए एक सेलेक्शन एक प्रोसेस है, ठीक है, ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन। बोल रहा है आइडेंटिफाइंग करेंगे और बेस्ट पर्सन को हम क्या करेंगे, चूज करेंगे, चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ अ नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर अ जॉब। जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं, 1000 एम्प्लॉयज़ है, 2000 एम्प्लॉयज़, 1000 एप्लीकेंट्स हैं, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट है, जो मतलब फ्यूचर में बन सकते हैं, ठीक है, उसमें से हम क्या करेंगे, बेस्ट पर्सन को चूज़ करेंगे। ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए हमने 500 हमारे पास एप्लीकेंट्स आए हैं, सपोज़ 500 एप्लीकेंट्स आए हैं, तो हम 500 को सेलेक्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं है। जितनी हमें रिक्वायरमेंट्स होंगी और हमें जितने रिक्वायरमेंट्स होगी और साथ ही साथ जो बेस्ट होंगे उसको ही हम चूज़ करेंगे, ठीक है। हमें हो सकता है 100 की रिक्वायरमेंट है तो हम 500 में से 400 इलिमिनेट करेंगे। कैसे इलिमिनेट करेंगे, हम देखेंगे 100 कौन से सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा प्रोसेस की तरफ देखते हैं। मैंने लास्ट क्लास में इंटरनल सोर्स पढ़ा दिया था, आज एक्सटर्नल सोर्स है और सेलेक्शन है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट है, उसके बाद आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हम लोग का प्रोसेस ऑफ सेलेक्शन हम लोग देखते हैं। पहला है हमारा प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में क्या होता है, हम इसमें जो हमारे पास एप्लीकेशंस आते हैं उसमें से हम चेक करते हैं कि जिस हिसाब से हमने क्वालिफिकेशन डाली थी, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी ऑर्गेनाइजेशन की, क्या हमने उस चीज़ मतलब जो उसमें जितने एप्लीकेंट्स हमारी रिक्वायरमेंट के लायक होंगे हम उनको रख लेंगे और जो हमारी रिक्वायरमेंट के लायक नहीं होंगे उनको हम हटा देंगे। एक एग्जांपल देती हूँ, सपोज़ एक मुझे स्कूल में टीचर की रिक्वायरमेंट है, उसमें बता दिया बीएड भी चाहिए, एनटीटी भी चाहिए, मास्टर्स भी चाहिए और फ्लुएंट इन इंग्लिश चाहिए और कंप्यूटर में कमांड होना चाहिए, ठीक है। बट हमने देखा हमारे पास से ऐसे 10 एम्प्लॉयज़ ऐसे आए हैं जिसमें किसमें से 5 एम्प्लॉयज़ के बाद ये पांचों चीज़ें हैं, चारों चीज़ें हैं और कुछ एम्प्लॉयज़ के बाद एक चीज़ है, एक चीज़ नहीं है, एक के पास डिग्री नहीं है, एक 12th क्वालिफाइड है, तो हम वो 5 को क्या कर देंगे, उसी समय इलिमिनेट कर देंगे। दिस इज़ कॉल्ड प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, ओके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेलेक्शन टेस्ट। अब हम सेलेक्शन टेस्ट कैसे करेंगे, किस बेसिस पे करेंगे, तो देयर आर 5 टेस्ट, जो कि होगा इंटेलिजेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनैलिटी ट्रेड टेस्ट और इंटरेस्ट टेस्ट, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट में, हम देखते हैं IQ लेवल, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका, जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ हैं उनका IQ लेवल कैसा है, उनका डिसीजन लेने का, जजमेंट करने का कैसा उनका IQ लेवल है, उनके अंदर कितनी एबिलिटी है, ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग पढ़ते भी जाएंगे, ठीक है। इंटेलिजेंस टेस्ट, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज टू मेजर द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। यहाँ पे हम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस को चेक करते हैं, IQ को चेक करते हैं ऑफ एन इंडिविजुअल। इट इज एन इंडिकेटर एबिलिटी और पर्सन
लर्निंग एबिलिटी, आपके अंदर लर्निंग एबिलिटी कैसी है और द एबिलिटी टू मेक डिसीजन। देखिए लर्निंग एबिलिटी कैसी है और डिसीजन लेने की एबिलिटी हमारे अंदर कैसी है, क्या हम जज कर सकते हैं, क्या हम डिसीजन ले सकते हैं। तो पहला हमारा इंटेलिजेंस है, इसमें हम आईक्यू लेवल देखते हैं एक इंडिविजुअल का। नेक्स्ट है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होता है, हम ये देखते हैं कि जो सामने वाला प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज है उसमें लर्निंग न्यू स्किल सीखने की एबिलिटी है कि नहीं है। कुछ भी अगर चीज़ें हम सिखाएं उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में, क्या वो इजीली ग्राफ्स कर सकता है कि नहीं कर सकता है, वो जल्दी से सीख सकता है कि नहीं सीखता है। चलिए देखते हैं। इट इज़ अ मेजर ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स। न्यू स्किल्स लर्न करने की हमारे अंदर कैपेबिलिटी है कि नहीं है। इट इंडिकेट द पर्सन कैपेसिटी टू डेवलप सच टेस्ट आर गुड इंडाइसेस ऑफ पर्सन फ्यूचर सक्सेस स्कोर। देखिए अगर हमारे अंदर लर्निंग न्यू, हम न्यू स्किल्स सीखने की कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, तो हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में आगे बढ़ सकते हैं। फ्यूचर में हम और बहुत ज़्यादा आज हो सकते हैं, छोटे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, पढ़ हो सकते हैं, हम फ्यूचर में टाटा बिरला सब जगह वर्क कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट में हम देखते हैं वैल्यूज़ आपकी कैसी है, इमोशंस कैसे हैं, आपका रिएक्शन कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, ये सारी चीज़ें हम इसमें चेक करते हैं। आपका अगर कोई भी कुछ भी होता है तो आपका एटीट्यूड कैसा हो जाता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, पर्सनैलिटी टेस्ट में। पर्सनैलिटी टेस्ट प्रोवाइड क्लूज टू अ पर्सन इमोशन हर रिएक्शन। इमोशन देखेंगे, रिएक्शन देखेंगे, आपके अंदर मैच्योरिटी कितनी है, ऐसा नहीं कि आप इनमैच्योर पर्सन है। वैल्यू सिस्टम देखेंगे। दिस टेस्ट प्रोब द ओवरऑल पर्सनैलिटी। ओवरऑल पर्सनैलिटी आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट में चेक की जाएगी। नाउ नेक्स्ट है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में हम देखते हैं जो हमारे पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है, एग्जिस्टिंग नॉलेज क्या हमारे पास कितनी है, हम उसको जज करेंगे हमारे पास किस लेवल तक की एग्जिस्टिंग नॉलेज है। ठीक है, इसमें पढ़ते हैं मेजर द एग्जिस्टिंग स्किल्स ऑफ द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के एग्जिस्टिंग स्किल्स को हम क्या करते हैं, यहाँ पे टेस्ट करते हैं। ठीक है, दे मेजर द लेवल ऑफ नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी इन द एरिया ऑफ प्रोफेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग। ठीक है, आपकी वो लेवल ऑफ नॉलेज देखिए, अगर आप सपोज कंप्यूटर बैकग्राउंड से आते हो, आपने मास्टर्स किया है कंप्यूटर में, ठीक है, तो आपकी वो लेवल देखेंगे, आपकी वो एग्जिस्टिंग नॉलेज देखेंगे कि आपके पास आपने जो पढ़ा है आपको काफ़ी चीज़ें आती हैं कि नहीं आती है। डिफरेंस बिटवीन ट्रेड टेस्ट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट इज दैट ट्रेड टेस्ट हेल्प टू आइडेंटिफाई प्रेजेंट स्किल। ट्रेड टेस्ट क्या करता है, प्रेजेंट स्किल्स को देखता है ऑफ अ पर्सन, वाइल एप्टीट्यूड टेस्ट देखता है मेजर एक्वायर स्किल इन फ्यूचर। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट देखते हैं कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो हम एक मुझे टीचर की रिक्वायरमेंट है तो हाँ मतलब जो एम्प्लॉयज़ है वो मतलब किसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने वाला, वो टीचर का वर्क नहीं कर सकता है, तो उसका इंटरेस्ट देखेंगे कि क्या वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लायक है कि नहीं है। इफ एवरी इंडिविजुअल हैज़ फैसिनेशन फॉर सम जॉब देन द अदर्स, इंटरेस्ट टेस्ट आर यूज टू नो द पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पर्सन। आपका इंटरेस्ट कैसा है ये सारी चीज़ें हम इसमें चेक करेंगे। पहला वाला मैंने बताया था इंटेलिजेंट टेस्ट। इंटेलिजेंट टेस्ट क्या होता है, आईक्यू लेवल चेक करते हैं। एप्टीट्यूड में हम आपके लर्निंग स्किल्स कितनी हैं फ्यूचर में, ये सारी चीज़ें देखते हैं। पर्सनैलिटी में आपके वैल्यू इमोशन देखते हैं। ट्रेड टेस्ट में हम क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग स्किल्स को देखते हैं। और इंटरेस्ट टेस्ट में आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है उस चीज़ को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब इसी के अंदर ये तो सेकंड पार्ट था सिलेक्शन टेस्ट में, पहला हमने पढ़ा प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। साथ ही साथ अपने घर में बोलते जाइएगा ताकि आपको ये लर्न हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग देन हमारा सिलेक्शन टेस्ट के अंदर पांचों टेस्ट आ गए। आगे के हम लोग पॉइंट्स देखते हैं। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, एम्प्लॉयमेंट हम एम्प्लॉय का क्या करेंगे, इंटरव्यू लेंगे, डेप्थ कन्वर्सेशन लेंगे, डेप्थ में उसके इंटरव्यू लेंगे, सारी चीज़ें उसको आती है कि नहीं, पूरा डेप्थ में जाके सारा उसका इंटरव्यू हम लोग लेंगे। नेक्स्ट हम रेफरेंस बैकग्राउंड चेक करेंगे एम्प्लॉयज़ का, जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ उनका रेफरेंस बैकग्राउंड चेक करेंगे। उनसे एम्प्लॉयर का एक डिमांड रहता है कि आप अपना मतलब जिसके थ्रू आए हैं नेम, एड्रेस, रेफरेंस, ये सारी चीज़ें मेंशन करें ताकि वो क्या कर सकें, उस पर्टिकुलर बंदे से जिसका आपने रेफरेंस दिया है वो उससे पता लगा सके कि आप सही एम्प्लॉय हैं, आप सही बंदे हैं कि नहीं हैं, आप में वो टैलेंट है कि नहीं, ताकि उनसे एक रेफरेंस से उनको एक पता चल जाए। नेक्स्ट है हमारा सेलेक्शन डिसीज़न।
अब हम यहाँ पे सेलेक्शन डिसीजन करेंगे, देखेंगे ये सारे टेस्ट होने के बाद कि हम जो जो सेलेक्ट करेंगे, डिसीजन लेंगे कि कौन से एम्प्लॉई ज़्यादा बेस्ट है इन सारे टेस्ट के बाद। नेक्स्ट सेलेक्शन हो गया, देन मेडिकल एग्जामिनेशन। आपको आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा, ताकि ऐसा नहीं कि कहीं आप अनफिट हैं, आप मतलब ऑर्गेनाइजेशन में मतलब फिट नहीं है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से वर्क नहीं कर सकते। सपोज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन में बर्निंग वाला काम ज़्यादा है, बट आपको क्या है स्मोक से, बर्निंग से इन्फेक्शन है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है आपको, या आप एकदम बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, तो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा कि आप पूरी तरह से प्रॉपर फिट हैं कि नहीं है। नेक्स्ट हम जॉब ऑफर देंगे, लोगों को ऑफर करेंगे जॉब। जॉब ऑफर करेंगे उनको, उनको बताएंगे जॉब ऑफर में उनका जो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उनको जॉब, 2 मिनट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा ताकि मैं आगे स्टार्ट कर सकूं। जॉब ऑफर में उनको हम जॉब ऑफर करेंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा कि भाई जैसे कि अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आप 6 महीने तक, साल भर तक नहीं छोड़ सकते, उनको ड्यूटीज़, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी टर्मिनेशन, उनकी सैलरी, ये सारी चीज़ें हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हमारा लिखा हुआ मिलेगा बायकायदे, ठीक है। ये हो गया हमारा, कम्प्लीट हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की तरफ, ठीक है। हम ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज़ को रखते हैं, उनको हमको टाइमली अपग्रेड करना पड़ता है, उनको टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ता है ट्रेनिंग के थ्रू। ट्रेनिंग होगी तो ही उनका डेवलपमेंट होगा, ठीक है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज़ एन अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द करेंट ऑफ फ्यूचर एम्प्लॉय। जो हमारे करेंट हैं, जो अभी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं और जो फ्यूचर में एम्प्लॉय होंगे, उनके हम उनको क्या करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होगी उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगी। जिससे उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगी तो एक ऑर्गेनाइजेशन में भी जो गोल है उसको ईजिली अचीव किया जा सकता है, ठीक है। करेंट ऑफ फ्यूचर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस बाई इंक्रीजिंग एन एम्प्लॉय एबिलिटी टू परफॉर्म थ्रू लर्निंग, यूजली बाई चेंजिंग द एम्प्लॉय एटीट्यूड और इंक्रीजिंग हिज हर स्किल और नॉलेज। देखिए, हम उनको ट्रेनिंग प्रॉपर प्रोवाइड करेंगे तो क्या रहेगा, उनकी नॉलेज बढ़ेगी और जिससे क्या होगा, वो वर्क बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। अगर हमको ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करेंगे, सपोज हमारे यहाँ कोई टेक्नोलॉजी है और उसके रिगार्डिंग उनको नहीं आता है, तो वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे एम्प्लॉय का एटीट्यूड कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, नहीं कि हम इस टेक्नोलॉजी में वर्क नहीं करेंगे, रेसिस्टेंट करेंगे, विरोध करेंगे। बट हम उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे तो क्या रहेगा कि वो उस वर्क को बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, अपने स्किल्स को, अपनी नॉलेज के, उससे क्या होगा उनकी इन्हांस होगी, बढ़ेगी, तो उनका वर्क भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो हमें करेंट, ऐसा नहीं कि हम फ्यूचर एम्प्लॉय को ही ट्रेनिंग देंगे, हम करेंट एम्प्लॉय को भी ट्रेनिंग देंगे ताकि क्या हो रहा है कि उनकी नॉलेज बढ़े। और अगर हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे तो उससे क्या होगा, हम जो हमारा एम्प्लॉयज़ है उसकी नॉलेज बढ़ेगी और वो फ्यूचर में बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में भी वर्क कर सकता है, और हमारा एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ में भी, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में वर्क अच्छे से कर सकता है। आइए हम लोग देखते हैं इसमें ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स क्या है। अगर हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या बेनिफिट होता है ट्रेनिंग एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करने से। पहला है हमारा, ट्रेनिंग इज अ सिस्टमैटिक लर्निंग। ट्रेनिंग क्या है, एक सिस्टमैटिक लर्निंग है, ऑलवेज बेटर देन हिट एंड ट्रायल मेथड। देखिए, एक कोई टेक्नोलॉजी आ गई, अब मुझे नहीं पता कि टेक्नोलॉजी को कैसे हैंडल किया जा सकता है, मैंने अपना दिमाग लगा कि हैंडल कर दिया, हो सकता है वो ब्लास्ट हो गई या वर्क अच्छा नहीं हो पाया, हमारे रिसोर्सेज सारे के सारे बर्बाद हो गए। तो क्या हमें ट्रेनिंग, अगर एक सिस्टमैटिक तरीके से उनको ट्रेन करेंगे, उनको लर्न बताएंगे सारी चीज़ें, तो क्या होगा, हिट और ट्रायल मेथड अवॉइड होगा और हमें जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे, ठीक है। ट्रेनिंग इज अ सिस्टमैटिक लर्निंग, ऑलवेज बेटर देन हिट एंड ट्रायल मेथड विच लीड्स टू वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स। इससे क्या होगा, अगर हम प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे तो हमारे एफर्ट्स, जो हमारे एफर्ट्स हैं, मनी है, रिसोर्सेज है, क्या होंगे, वेस्ट होने से बच जाएंगे, क्योंकि उनको प्रॉपर चीज़ें आती होंगी। नेक्स्ट है, इट इन्हांस एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। अब हमको ट्रेनिंग मिल गई तो हमारी हम वर्क उतने अच्छे से करेंगे, हमें नॉलेज हो गई टेक्नोलॉजी के बारे में कि भाई हम इतना रिसोर्स डालेंगे तो इतना आउटपुट आएगा, इतना रिसोर्स डालेंगे तो इतना आउटपुट आएंगे, कैसे चलाएंगे, किस टाइम में चलाएंगे, ये सारी चीज़ें हमको अगर पता चल गई तो हमारी एम्प्लॉय की क्या होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी।
बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी. देखिए क्वांटिटी में भी बढ़ जाएगी और क्वालिटी में भी बढ़ जाएगी. लीडिंग टू हायर प्रॉफिट, उससे क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा, हायर होगा. नेक्स्ट है ट्रेनिंग इक्विप द फ्यूचर मैनेजर हु कैन टेक ओवर इन केस ऑफ इमरजेंसी. ट्रेनिंग इसलिए भी दिया जाता है कि अगर फ्यूचर में कोई मैनेजर चला जाता है, एब्सेंट हो जाता है, गायब हो जाता है, तो इन केस ऑफ इमरजेंसी में हम उस एम्प्लॉय को क्या कर सकते हैं, उस पोस्ट पे बैठा सकते हैं, क्योंकि उसको सारी ट्रेनिंग दी गई है, उसको सारे नॉलेज है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, हर लेवल पे हर डिपार्टमेंट में कैसा वर्क होता है उसको पता है, तो इजिली हम उसको क्या कर सकते हैं, इन केस ऑफ इमरजेंसी में शिफ्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट है ट्रेनिंग इंक्रीज एम्प्लॉय मोरल एंड रिड्यूस एब्सेंटिज्म एंड एम्प्लॉय टर्नओवर. देखिए हम अगर प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे तो हमारे एम्प्लॉय का क्या होगा, मोरल बढ़ेगा, उनके जो अंदर के पावर रहेंगे, कॉन्फिडेंस रहेगा, वो बढ़ेगा, और हम क्या करेंगे, एब्सेंटिज्म रिड्यूस होगा और एम्प्लॉय टर्नओवर कम होगा. कैसे होगा कि देखिए अगर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिल गई है तो आपको पता है कि आपको सारी चीज़ें आती है, तो आप नागा नहीं, एब्सेंट नहीं करेंगे. इसी तरह स्कूल में भी क्या रहता था कि अगर कोई सब्जेक्ट से हमें बहुत चिढ़ रहती थी तो हम उस सब्जेक्ट में, उस क्लास में बैठना नहीं चाहते थे. तो क्या है, अगर हमें प्रॉपर बता दिया जाए कि नहीं इस सब्जेक्ट को ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी के थ्रू पढ़ाया जाए, बहुत ज़्यादा मतलब इस तरीके से पढ़ाया जाए कि जिसमें आपका इंटरेस्ट बढ़ जाए, तो आप क्या करेंगे, उस चैप्टर उस सब्जेक्ट से आपका एब्सेंट कम होंगे और आप क्या हो जाएंगे उस सब्जेक्ट से मतलब उस चीज़ को पीछे नहीं भागेंगे. इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी कि अगर एम्प्लॉयज़ को अगर नहीं पता होगा टेक्नोलॉजी के बारे में या ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा, एब्सेंट होगा और क्या होगा, उनका टर्नओवर भी जल्दी होगा, क्योंकि वो क्या कर देंगे, सोचेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन में मेरा ज़्यादा दिन काम नहीं हो सकता है, इसलिए मुझे उसको क्या करना होगा, छोड़ना पड़ेगा. बट अगर हम ट्रेनिंग देंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा. आइए हम लोग पढ़ते हैं एम्प्लॉय के लिए क्या क्या बेनिफिट है. अगर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग मिलती है और एम्प्लॉय ट्रेनिंग लेते हैं तो उनका क्या क्या बेनिफिट्स होता है. पहला है हमारा इम्प्रूव स्किल्स एंड नॉलेज ड्यू टू ट्रेनिंग लीड टू बेटर कैरियर ऑफ द इंडिविजुअल. हमारी स्किल्स बढ़ती है, हमारे नॉलेज बढ़ते हैं किसके थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू, जो हमारा क्या होता है, बेटर कैरियर इंडिविजुअल का हो सकता है. ठीक है, आज आपको कोई किसी भी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी के बारे में पता चल गया है, जो टफ टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है और आपकी डिमांड है, आपको उस टेक्नोलॉजी के बारे में पता चल गया तो आपके उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में डिमांड है. आप फ्यूचर में भी क्या कर सकते हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में अगर उस वो ऐसी रिक्वायरमेंट रहेगी तो आप शिफ्ट करके चेंज कर सकते हैं और वहाँ पर आपको हायर सैलरी भी मिलेगी, क्योंकि आपको उस बारे में सारी चीज़ें पता है. नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज परफॉर्मेंस बाय द इंडिविजुअल हेल्प हिम टू अर्न मोर. देखिए परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा तो हायर प्रॉफिट होगा. हायर प्रॉफिट किसका होगा, ऑर्गेनाइजेशन का होगा. अगर ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो इन द फॉर्म ऑफ बोनस, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इन द फॉर्म ऑफ सैलरी क्या करेगी ऑर्गेनाइजेशन, अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी, बोनस, ये डिविडेंड, ये सारी चीज़ें उनको देना शुरू कर देगी. नेक्स्ट है ट्रेनिंग मेक द एम्प्लॉय मोर इफिशियंट टू हैंडल मशीन. ट्रेनिंग हम प्रॉपर देंगे तो हम इजीली तरीके से मशीन को हैंडल कर सकते हैं, लेस प्रॉन टू एक्सीडेंट. हम एक्सीडेंट हमारा हमारे मतलब लेस प्रॉन टू एक्सीडेंट मतलब कि हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं अगर हमको अच्छे से टेक्नोलॉजी के बारे में, मशीन के बारे में, इक्विपमेंट्स के बारे में पता रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सीडेंट से बच सकते हैं, कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में. ट्रेनिंग इंक्रीज सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉय. आपको ट्रेनिंग दे दिया गया, आपको सैलरी अच्छी मिल रही है, आपने वर्क अच्छा किया, हायर प्रोडक्टिविटी हुई, तो आपका सेटिस्फैक्शन भी बढ़ेगा और आपके एम्प्लॉयज़ का मोरल भी बढ़ेगा. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. तो हम लोग ऑन द जॉब मैथड और ऑफ द जॉब मैथड ट्रेनिंग के मैथड की तरफ आगे बढ़ते हैं. ठीक है, पहला हम लोग का है ट्रेनिंग मेथड में ऑन द जॉब होता है और एक ऑफ द जॉब होता है. पहले हम लोग समझ लेते हैं ऑन द जॉब मेथड क्या होता है. ऑन द जॉब का मेथड होता है जिस समय हम वर्क कर रहे हैं उसी समय हमको क्या की जा रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है. ठीक है, ऐसा नहीं कि हमको आउटसाइड में ले जाके ट्रेनिंग दी जा रही है. ऑन द जॉब में क्या रहता है, एट ए टाइम हमको ट्रेनिंग दी जा रही है जिस समय हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, वर्क कर रहे हैं. ऑफ द जॉब मेथड में, नेक्स्ट वाले मेथड में, हम वर्क प्लेस में हमको ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, वर्क प्लेस के बाहर दी जाती है, वर्क प्लेस से आउटसाइड ट्रेनिंग हमको प्रोवाइड की जाती है. तो चलिए इसके अंदर वन बाय वन हम लोग इसके पॉइंट्स पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से इसके अंदर पॉइंट्स आते हैं. ठीक है, ऑन द जॉब मेथड देखिए इसके अंदर चार आते हैं. पहला है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, नेक्स्ट कोचिंग, इंटर्नशिप ट्रेनिंग एंड जॉब रोटेशन.
देखिए अप्रेंटाइजशिप प्रोग्राम में क्या होता है, इसमें क्या होता है, मास्टर वर्क होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे जो प्लम्बर होता है, आयरन मैन होता है और जो इलेक्ट्रिशियंस होता है, उसको क्या रहता है, हम ऐसा नहीं कि हम बाहर ले जाके उसको बताएंगे। जिस समय जो ट्रेनर होता है, जो हमको ट्रेनिंग दे रहा है, उसी समय वो बताएगा कि बिजली ऐसे बनती है, पंखा ऐसे लगाया जाता है, प्लम्बर का ये नल का काम ऐसे किया जाता है, एट ए टाइम उसको दिया जाता है, बताया जाता है, ताकि वो देख के क्या कर सके, सीख सके। ठीक है, ये जनरली किसके लिए होता है, प्लम्बर के लिए हो गया, आपका इलेक्ट्रिशियंस के लिए होता है अप्रेंटाइजशिप प्रोग्राम, इसके अंदर मास्टर वर्क होता है और ये हायर लेवल ऑफ स्किल्स होती है। ठीक है, हायर लेवल ऑफ स्किल्स होती है। नेक्स्ट है हमारा कोचिंग। कोचिंग में क्या होता है, देखिए आपने देखा होगा जो हम लोग स्पोर्ट्स में गेम खेलते हैं, स्पोर्ट्स में रहते हैं, तो एक हमारा कोच होता है। ठीक है, एक हमारा एक कोच होता है जो हमको क्या करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है एट ए टाइम पे, कि आपको कैसे इंस्ट्रक्ट करता है कि देखिए आप ऐसे अगर बैट मारेंगे तो आपका बॉल चौके की तरफ जाएगा, छक्के की तरफ जाएगा, तो वो हमें एट ए टाइम क्या करता है, इंस्ट्रक्ट करता जाता है। नेक्स्ट है हमारा इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग उनके लिए होती है जैसे जो सीए हो गए, ठीक है, सीएस हो गए, आपने सुना होगा सीए सीएस के बाद, सीए के इंटरमीडिएट के बाद आपका क्या होता है, एक ट्रेनिंग होती है जिसमें क्या रहता है, इंटर्नशिप ट्रेनिंग उसको कहते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको जो भी चीज़ें आपने पढ़ी उसकी ट्रेनिंग दी जाती है उसी समय पे। ये क्या है, ये किसके लिए होता है, जैसे क्वालिफाइड पीपल के लिए होता है, सीए हो गए, सीएस हो गए, जो प्रोफेशनल होते हैं उनके लिए ये होता है, उनको एट ए टाइम उनको क्या किया जाता है, सारी चीज़ें बताई जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा जॉब रोटेशन। ठीक है, जॉब रोटेशन में क्या होता है, जैसे कि हम क्या किए, एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, आज हम इधर इस वर्क इधर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, कल हम सेल्स में करेंगे, परसों परचेज में करेंगे, इसी तरह हमें क्या किया जाए, ट्रांसफ़र किया जाता है जॉब रोटेट कर करके, ताकि आपको पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कैसे सारी चीज़ें की जाती है उसको पता चल जाए। ये इसलिए बेनिफिट हो जाता है कि अगर हमें कि फ्यूचर में किसी एम्प्लॉयज़ को हटाना है, बढ़ाना है, अरे मतलब हटाना है, ट्रांसफ़र करना है, प्रमोट करना है या उनको निकालना है, ठीक है, तो हम इजिली उनको ये चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑफ द जॉब मेथड। ऑफ द जॉब मेथड में क्या रहता है, हम एट ए टाइम उनको नहीं देते, उनको जिस समय वर्क कर उस समय ट्रेनिंग देते थे, हम उनको बाहर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। पहला है हमारा क्लासरूम लेक्चर्स एंड कॉन्फ्रेंस। इसमें क्या होता है क्लासरूम लेक्चर्स में, कि हम जैसे सपोज कॉन्फ्रेंस होता है, कॉन्फ्रेंस जिस समय आप वर्क कर रहे हैं उस समय नहीं होता है, आपको एक जगह बुला लिया जाता है, मीटिंग होती है, उसमें क्या है आपको बताया जाता है कि ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको ऐसे बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, इसमें क्या रहता है आपको ऑडियो वीडियो डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू बताया जाता है, बट ये एट ए टाइम नहीं बताया जाता। सपोज मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, टीचर है, टीचर को ट्रेनिंग देनी है कि आप बच्चों को, छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाइए। ठीक है, छोटे नर्सरी केजी वन केजी टू, उनको आप जैसे कि कुछ टीचर तो एग्जिस्टिंग है, उनको नॉलेज है थोड़ा बहुत, बट जो फ्यूचर एम्प्लॉयज़ हैं उनको नहीं नॉलेज है, या एग्जिस्टिंग टीचर्स को भी हमें बताना है, तो हम क्या करते थे, एक बहुत बड़ी मीटिंग कॉन्फ्रेंस इकट्ठा कॉन्फ्रेंस रूम में टीचर्स को बुला लेते हैं और उनको बोर्ड के थ्रू या मतलब ऑडियो विजुअल डिमॉन्स्ट्रेट करके क्या कर देते हैं, ईजिली बता देते हैं कि आपको क्लास में बच्चों को कैसे पढ़ाना है। बट यहाँ पर क्या हो गया, हम बच्चों के सामने मैम टीचर्स को नहीं बता रहे, हम एक अलग से रूम में कॉन्फ्रेंस में उनको बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिल्म। फिल्म में क्या होता है, एक फिल्म बना देंगे उसके रिगार्डिंग कि आपको इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, एक फिल्म के थ्रू हम उनको डिमॉन्स्ट्रेट करके बताते हैं। ये उन्हीं ये मतलब कुछ स्पेशल टेक्निक्स के लिए ही होता है, कि ये दूसरे टेक्निक से नहीं होता, इसीलिए फिल्म का यूज़ किया जाता है, कि मतलब जो बहुत ज़्यादा टफ होती होगी उसी में ये फिल्म का हम यूज़ करते हैं, कि फिल्म के थ्रू हम उनको सारी चीज़ें गाइड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा केस स्टडी। केस स्टडी आप जैसे जानते होंगे, जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस है उससे थ्रू हम क्या करते रहते हैं, उसके थ्रू हम उनको रीड करते हैं, उनको सारी चीज़ें समझते हैं और अपने रियल लाइफ प्रॉब्लम में क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं।
नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर मॉडलिंग। देखिए नाम से समझ में आ रहा है कंप्यूटर से बेसिस हो, कंप्यूटर से रिलेटेड होगा। कंप्यूटर मॉडलिंग में सारी चीज़ें मतलब बता दी जाती है कि आपको ऐसे हैंडल करना है, क्योंकि अगर हम ये सारी चीज़ें हमको नहीं बता दी जाएगी तो इससे क्या होगा, हमारी कॉस्ट भी बढ़ेगी और क्या रहता है एरर भी हो सकता है। ठीक है, तो कंप्यूटर के थ्रू हम उनको सारी चीज़ें मॉडलिंग के, कंप्यूटर मॉडलिंग के थ्रू हम बताते हैं। नेक्स्ट है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में क्या होता है, इसमें हम सिखाते हैं मशीन और इक्विपमेंट्स को कैसे हैंडल करना है, बाहर बताते हैं ताकि जो भी हमारे रॉ मटेरियल हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, वो क्या ईजिली मशीन उसने मतलब मशीन और इक्विपमेंट्स को हम ईजी तरीके से हैंडल कर सके। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में क्या है, लास्ट है हमारा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में हम एक प्री अरेंज ऑर्डर में सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन दे देते हैं स्टेप बाय स्टेप, इसके बाद आपको ये काम करना है, इसके बाद ये काम करना है, इसके बाद ये करना है, और क्या है इसको हम एक सीक्वेंस में लॉजिकल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख देते हैं ताकि हम क्या इजीली उसको समझ के क्या कर सके वर्क कर सके। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग एक केस स्टडी की तरफ बढ़ते हैं। चलिए केस स्टडी की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पहला हमारा है, इन अ लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देयर वाज अ मीटिंग रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट व्हिच वाज वेरी मच रिक्वायर्ड इन मीटिंग द ग्रोइंग नीड्स ऑफ गुड एम्प्लॉयज एंड सॉल्विंग कॉम्प्लिकेटेड इश्यू रिलेटेड विद इन ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क प्लेस। They also discuss about the most important resource of an organization. Which function of management is indicated here in the above case? Give one advantage of this function. Which most important resource of an organization is indicated here? बता दिए एक manufacturing company है, there was a meeting regarding the importance of function management, जो कि much required in meeting the growing needs of good employees. ठीक है, good employees की क्या है need, growing needs से बढ़ाना है, सॉल्विंग कॉम्प्लिकेटेड इशू और उसी ह्यूमन का जो बिहेवियर है उसी वर्क प्लेस में हम क्या करेंगे चेंज करेंगे। चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला हमारा द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इज इंडिकेटेड इज स्टाफिंग। स्टाफिंग का वन एडवांटेज दे दीजिए, स्टाफिंग हेल्प इन ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सन फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इंडिकेट हिज ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स को क्या बताए थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। अगर ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा तो आप कोई भी कितना भी प्लान कर लीजिए, कितना भी रिसोर्स इकट्ठा कर लीजिए, आप वर्क को नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को, अल्फा इंटरप्राइजेस एक कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग वाटर गीजर। वाटर गीजर अल्फा इंटरप्राइजेस मैन्युफैक्चर करती है। द कंपनी हैज फंक्शनल स्ट्रक्चर लाइक फॉर मेन फंक्शन प्रोडक्शन मार्केटिंग फिनांस एंड ह्यूमन रिसोर्स। एज अ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ग्रू द कंपनी डिसाइड टू हायर मोर एम्प्लॉय। ठीक है, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई तो मोर एम्प्लॉयज़ को हमें रखना है। आइडेंटिफाई द कंसेप्ट ऑफ विच हेल्प द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इन डिसाइडिंग द एक्चुअल नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड इन ईच डिपार्टमेंट। हमको कंसेप्ट बता रहे, क्या बोल दिया यहाँ पे, ह्यूमन रिसोर्स एक्चुअल नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड इन ईच डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्कलोड एनालिसिस। हमको वर्कलोड एनालिसिस को देखना है, चेक करना है कि हमारे यहाँ वर्कलोड कितना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट में वर्कलोड कितना है, उस अकॉर्डिंग हम एम्प्लॉयज़ को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट इन द फॉलोइंग केसेस। इन अ कॉटन क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द प्रोडक्टिविटी हैज़ डिक्लाइंड ड्यूरिंग लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। एक कॉटन क्लॉथ की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो क्या डिक्लाइन कर रही है प्रोडक्टिविटी से। ठीक है, व्हेन द सीनियर मैनेजमेंट डिसाइड टू गो इनटू द रूट कॉज, कि क्या कॉज है, क्यों ऐसा हो रहा है, देयर इज अ लैक ऑफ न्यू टैलेंट। पता चला कि न्यू टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द ऑर्गेनाइजेशन सफरिंग फ्रॉम इनब्रीडिंग, सफर कर रहा है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, आप बताइए यहाँ पे क्या आएगा। आइडेंटिफाई कौन से टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, न्यू टैलेंट के बारे में बोला है तो ये एक्सटर्नल होगा। आंसर की तरफ देखते हैं।
तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि न्यू टैलेंट नहीं है, एक्सटर्नल सोर्स नहीं है, तो क्यों प्रॉब्लम हो रही है? इंटरनल सोर्स की वजह से हमारा ये प्रॉब्लम हो रहा है। नेक्स्ट है, इन मेक माई ड्रेस अ कंपनी मेक विद अ विजन कंपनी विद अ विजन एम्प्लॉय हैव अ लो स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन एंड देयर एंथुसियाज्म लेवल इज वेरी लो एज दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू हैव अ गुड लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन। ठीक है, बता रहा है कि लो स्पिरिट है एम्प्लॉय की, जो है कॉम्पिटिशन की लो स्पिरिट है, उनका एंथुसियाज्म लेवल क्या है, लो है, और गुड लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन नहीं है। तो क्या आंसर होगा? इंटरनल होगा, क्योंकि क्या होगा, आपस में इंटरनल में क्या होगा कि सब एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज ही वर्क करते हैं, तो कोई न्यू एम्प्लॉय नहीं है जो आपस में कॉम्पिटिशन कर सके। तो यहाँ पर भी क्या होगा, हमारा इंटरनल होगा। नेक्स्ट है, इन अ कंपनी देयर आर मैनी हाईली क्वालिफाइड पर्सनल हु आर ट्रेन इन डिफरेंट सीनैरियो दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज अबाउट द लेटेस्ट इन द मार्केट। बोल रहा है कंपनी ने बहुत सारे हाईली क्वालिफाइड पर्सनल को क्या किया, ट्रेन किया है डिफरेंट सीनैरियो के थ्रू, और लॉट ऑफ एक्सपीरियंस है उनको लेटेस्ट नॉलेज मार्केट के बारे में। तो क्या होगा, एक्सटर्नल होगा हमारा। अ कंपनी एक्स वाई जेड इज enjoying wider choice of employee and is doing great. सीधी सी बात है, wider choice of employee है, तो यहाँ क्या होगा, external होगा। आगे के क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 आप लोग के लिए एक होमवर्क है, इसको करिएगा और देखिएगा कि आपको कितना आ रहा है इंटरनल और एक्सटर्नल में। और एक और भी बात आपको बतानी है, आज की स्टाफिंग कंप्लीट हो गया चैप्टर हम लोग का, और अगली क्लास अब आपकी 18 से होगी, ये 4 दिन 5 दिन आपका ऑफ रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।